शाह यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज पीडे से जी। सर जो ये मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद डिवीजन का जो नाम चेंज किया गया था उसकी आज तारीख थी ना जी, तो उसमें आपने एक नई याचिका डाले थे या वही याचिका पे आज क्या केस चला है बॉम्बे हाईकोर्ट में? आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मैटर निकला था औरंगाबाद का भी और उस्मानाबाद का भी जी। उस्मानाबाद की तरफ से सतीश सड़ेकर साहब थे, औरंगाबाद की तरफ से मेरे वकील एडवोकेट एस एस खाजी साहब थे जी। और मैटर काफी देर चला, सवेरे से लेके तो दोपहर तक और दोपहर के बाद भी लंच के बाद भी चला। अच्छा, और कोर्ट का ये पहले ये था कि हम उसको नोटिस करेंगे, नोटिस निकालते हैं, लेकिन हमारे वकीलों ने सीधा एक भूमिका दी के कोई हमको नोटिस नहीं, या तो आप इसको सुन के हमको स्टे दीजिए नहीं तो रिजेक्ट कीजिए ताकि हम ऊपर जा सकें। अच्छा, तो फिर उसके ऊपर सारे पॉइंट्स पे बहस हुई कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन कंसिडर नहीं किए और एक कम्युनल मोटिव के साथ इन्होंने ये सब काम किया है, तो इसको जो है तो तुरंत वो करना चाहिए। और वकीलों की तरफ से ये भी मांग की गई कि जिस दिन ये ऑर्डर आया इसको उस डेट से स्टे किया जाए, मतलब इसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो पूरी कैंसिल होके मतलब उसको सबको स्टे कर दिया जाए, जितने ऑर्डर हैं ये सब रिवर्सल उसमें जाना चाहिए। अच्छा, इस तरीके से तो फिर कोर्ट ने उसको सीरियसली लेते हुए बाद में पहले वकीलों को सुना, सुनने के बाद फिर अटॉर्नी जनरल को तलब किया, अटॉर्नी जनरल आए दोपहर के बाद और उन्होंने अपना तर्क रखा। काफी मैटर लंबा हो रहा था इसलिए कोर्ट ने अभी इसको फिर से कंटिन्यू रखा है 4 तारीख को, जिस दिन शहर की भी सुनवाई होनी है औरंगाबाद के नाम की अपनी। अच्छा, आने वाली 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख अक्टूबर को अभी इसको मैटर को फिर से कंटिन्यूएशन में रखा गया है। सर आपको क्या लगता है जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे है, जिस तरीके के मतलब एक लोगों पे थोपना हो जा रहा है, हुक्मशाही के जैसा फैसले ले रही है सरकार, तो इस चीज के खिलाफ तो हम कोर्ट में आए हैं। सर कोर्ट इसमें जो तारीखें बढ़ रही है क्या जल्दी फैसला आने की उसमें वो है गुंजाइश है? कोर्ट के ऊपर इस वक्त कोई टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन सरकार जो है ये तानाशाही तरीके से अपने फैसले जनता पे थोप रही है। औरंगाबाद की जनता ये बिल्कुल नाम बदल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करती, पसंद नहीं करती और इसी के खिलाफ हम कोर्ट में आए हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह खुदा की जात से कि हमको इंसाफ मिलेगा। थोड़ा सा लंबा फिर से वापस 4 तारीख तक के हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैटर अभी जो है तो फिर से रखा गया है कंटिन्यूएशन में, 4 तारीख को ग्रामीण का भी चलेगा और फिर बाद में शहर का भी है उसके अंदर इसी तारीख को। अच्छा सर, इसमें जो ये याचिका आपने डाली है ये नई याचिका है औरंगाबाद डिवीजन की या फिर आपकी पुरानी याचिका में जो था वो उसी को आपने कंटिन्यू किया? कुछ पॉइंट्स नए आए हैं, याचिका तो नई डाली गई है क्योंकि उस वक्त जो ग्रामीण का पार्ट था उसको डिस्पोज कर दिया था कोर्ट ने जी। जो तालुका और आपके डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का जो पार्ट था उसको डिस्पोज किया था, शहर वाला जो पार्ट था उसको इंटैक्ट रखा था जी। वो जिसकी अभी 4 तारीख को ऑलरेडी डेट थी जी। ये याचिका के अंदर फिर से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तालुका विलेज जो अभी इन्होंने जीआर लेके आए थे 15 तारीख को 16 को डिक्लेयर किया इन्होंने, उसको चैलेंज किया गया है जी। सर इसमें 4 तारीख को जो भी अपडेट रहेंगी हम फिर से आपसे कॉन्टेक्ट करके वो करेंगे इस पे, पर सर जिस तरीका के ये हो रहा है जो ऑब्जेक्शन गए थे उस ऑब्जेक्शन का क्या भी जिक्र हुआ है आज? जो वो ऑब्जेक्शन गए थे वो डिवीजन के लिए ही गए थे औरंगाबाद से नामांतर? काफी बहस जो है वो उसी मुद्दे पे चली कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन जो मंगाए थे तो क्या सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए या कोर्ट्स को आंखों में धूल झोंकने के लिए उनको गुमराह करने के लिए मंगाए गए थे? वो ऑब्जेक्शन तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं किए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? खाली आपने मंगा के अपने पास गट्ठे रख लिए, उसका ये तक नहीं पता कि वो नंबर्स कितने, वो भी आप नहीं बता रहे। हमने उसमें अर्जियां लगाई हैं कि आप बताएं हमको कि भाई ऑब्जेक्शन आए हैं तो कितने आए हैं, उसके बाद उसके अंदर इसी ऑब्जेक्शन जिसने भी दायर किया था उसको किसी को नोटिस देके इन्होंने बुलाया नहीं, कोई हियरिंग नहीं दी, उसी के ऊपर भी आज काफी बहस हुई कि सर इन्होंने तो ऑब्जेक्शन को कंसिडर ही नहीं किया कोई। जब ऑब्जेक्शन अगर वैलिड था तो ये कंसिडर करते तो यहाँ तक हमको आना ही नहीं पड़ता, वो उसी लेवल पे खत्म हो जाता था केस। सेक्शन है जो 4 है MLRC का उसके तहत हमारा कहना है कि आपको ये अलाउ ही नहीं करता, ये सिर्फ नए रेवेन्यू एरियाज के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन या अल्ट्रेशन अगर कोई लिमिट्स होती है उसके बाद जो नया रेवेन्यू एरिया कॉन्स्टिट्यूट बनता है होता है तो उसके ऊपर ये कोड लागू होता है, उसका नाम रखने का अधिकार सरकार को है। हमारा यही कहना है कि ये सरकार जो है एक दूसरे कानून के तहत पुराने शहरों का नाम बदल रही है, उसी के अंदर सेक्शन में लिखा है कि जो पुराने रेवेन्यू एरियाज है वो उसी नाम से शुरू रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूट ये जो कानून बना था उसके पहले। तो ये तो औरंगाबाद वो खुद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि महाराष्ट्र बनने से पहले से ये रेवेन्यू एरिया जो है ये अस्तित्व में है,
इसका नाम नहीं बदला जा सकता, यानी सारी उन्होंने कानून की अनदेखी की है। सरकार ने कोशिश ये की है कि भाई जनता की और अदालत की आंखों में धूल झोंक कर वो अपना काम करवा ले। उम्मीद है खुदा की जात से कि इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। हम सारी जो बातें हैं खुल के अदालत को बताने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और न्याय मिल जाए जल्द से जल्द, औरंगाबाद की जनता वापस अपने उसी शहर के उस नाम के साथ आगे बढ़े, यही दुआ है। सर इसमें एक सवाल और था मेरा, जो अभी जो चल रहा है सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चालू है, सरकार गिरेगी रहेगी, ये जो एक दुविधा चालू है, आपका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो सर अगर ये सरकार गिर जाती है शिंदे सरकार, तो ये जो फैसले लिए गए हैं इनकी सरकार में, ये सब वापस हो जाएंगे? ये मुद्दा भी हमने अपनी याचिका में लिया हुआ है कि ये सरकार जो है ये खुद लीगली वैलिड सरकार नहीं है, इसके खुद के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्पीकर के पास ये मैटर पेंडिंग है कि ये 16 एमएलए का क्या होना है जिसमें खुद सीएम और सारे मिनिस्टर्स शामिल है। तो अगर ये सरकार गिर जाती है तो ये वैलिड कैसी मानी जाएगी और इसके लिए हुए फैसले कैसे वैलिड माने जाएंगे, ये भी आज बहस का मुद्दा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा रहा, एमएलआरसी का मुद्दा रहा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का मुद्दा रहा। 1953 की गाइडलाइंस जो है वो इनको ये बिल्कुल भी करने के लिए अलाउ नहीं करती, हिस्टोरिक शहरों के नाम नहीं बदल जा सकते, फिर भी इन्होंने सारा किया है। तो ये सारा कोर्ट को बताया गया, अभी ये हियरिंग काफी लंबी चली, आज लगभग मॉर्निंग से लेके तो अभी समझ लीजिए आपके एक 15 मिनट पहले तक की यही चलती रही जी। अभी 4 तारीख को आगे चलेगी, जो भी उसमें और बहस होना है जो भी आना है वो 4 तारीख को आएगा फिर सामने। ओके सर, शुक्रिया साहब।